नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और आपके इस YouTube चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यदि आप किसी धार्मिक स्थल पे जो है विजिट करना चाहते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं और यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप गवर्नमेंट से सब्सिडी ले सकते हैं, उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये काम होगा जनसेवा केंद्र के द्वारा, तो जो भी जनसेवा केंद्र संचालक हैं वो इसका एक टेम्पलेट अपनी शॉप के बाहर लगा दें, अपने केंद्र के बाहर लगा दें, जिससे कि लोग ऑनलाइन करवाने आए और उनकी अच्छी अर्निंग हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में और यहाँ पे अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे 10 नंबर पे धर्मार्थ कार्य विभाग मिल जाता है। तो यहाँ पे इस साइट को ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको चार चीजें दिख जाती हैं। सबसे पहले आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा, और दूसरा है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, फिर यहाँ पे सिंधु दर्शन यात्रा, फिर उसके बाद में सीनियर सिटीजन यात्रा। तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे कैलाश मानसरोवर यात्रा करनी है, तो यहाँ पे ऑनलाइन सब्सिडी एप्लीकेशन फॉर्म अभी मेरे को करना क्या है, यहाँ पे छोटा सा फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे पैसेंजर का नाम डिटेल डालना है, उसका आधार कार्ड, उसका फोटो, और अपलोड करना है साइन, और उसके बाद में अपलोड सर्टिफिकेट टू फुल विजिट ऑफ कैलाश मानसरोवर। तो आप वहाँ पे विजिट करने वाले हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट बनवाइए और वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पे मैं होम पे फिर से वापस चलता हूँ और अभी हम आ चुके हैं बाहर होम पेज पे, फिर से चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, ई पूजा ऑनलाइन डोनेशन, तो डोनेशन दे सकते हैं, ई पूजा यहाँ पे दिया गया है। अभी इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आरती, रुद्राभिषेक, भोग, और यहाँ पे श्रीनगर, और यहाँ पे देख सकते हैं व्यू रजिस्टर, तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप। फिर आता है ऑनलाइन सब्सिडी एप्लीकेशन फॉर्म सिंधु दर्शन यात्रा के लिए, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा, सेम वही जैसे कि वहाँ पे था, और यहाँ पे इसको आप जो है भर दीजिए। फिर है सीनियर सिटीजन यात्रा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसको ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्या है। जैसे इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। तो यदि आप सिंधु दर्शन यात्रा या कैलाश मानसरोवर यात्रा, इन दोनों की कई यात्रा करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन सब्सिडी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल हेल्पलाइन के लिए नंबर दिया हुआ है, टाइमिंग दी हुई है, तो यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कॉल करके पता कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस यही था। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि न्यू वीडियोज नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते हैं। सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जरूर से विजिट कीजिए और वीडियोज को वॉच कीजिए। जय हिंद।